चलिए सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? वहीं उंगली रखेंगे जहां मैं पढ़ूंगा, ठीक है? चलिए शुरू करता हूँ। मेढक, मेढक, चू जा, चूजा। च पे कौन सी मात्रा है? बड़ा ऊ का। चू हा, चूहा। ची टी, चीटी। औ र, और गु ब र ला, गुबरैला। मी त्र, मित्र। थे, पूर्ण विराम। ए क, एक। दी न, दिन। चू जे, चूजे। च पे कौन सा मात्रा है? बड़ा ऊ का मात्रा। कौन सा मात्रा? हाँ, चूजे। ने क हा, कहा। च लो, चलो। ह म, हम। स ब, सब। घू म ने, घूमने। च ले, चले। ल पे कौन सा मात्रा है? एक का। बहुत अच्छे। आओ र, और दु नी या, दुनिया। दे खे, देखे। पूर्ण विराम। अगला लाइन। इस वीडियो में बात हो रही है चीटी, पठन कौशल के। चीटी पे कौन सी मात्रा है? चरण है। आई बड़ी की। बहुत अच्छे। बो ली, बोली। ब पे कौन सा मात्रा है? इसमें ओ का। बोली, आई डू अर्थात। हाँ, वाचन पूर्ण विराम किया गया है। दु सीधे, नी साझा पठन, या दुनिया शुरू हो रहा है। साझा पठन में तो शिक्षक बहुत बच्चे साथ साथ बड़ी तो बड़ी है, है। हा, पढ़ रहे हैं और बच्चे भी उनके साथ पढ़ रहे हैं। तो ये जो टर्म है वो दूसरा टर्म है आदर्श वाचन के बाद, अर्थात जब हम पठन कौशल की बात करते हैं, चाहे वो गद्य पढ़ाना हो अथवा पद्य पढ़ाना हो, तो पहले आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है। देखेंगे शिक्षक पढ़ करके बच्चों को सुनाते हैं। अगली लाइन। यह जो चरण है दूसरा चरण है सब, जिसमें च ल शिक्षक चल साथ पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं बड़े, और पूर्ण विराम उनके पीछे पीछे पढ़ते हैं। ल तो ये जो है साझा पठन है। चलते अब च इसके बाद ल ते चलते। ए क, एक। झी ल होता है झील। यू डू के बच्चे जोड़ी में पढ़ते हैं रे, और शिक्षक किनारे उनके प हूं पास जाकर के ये देखते पहुंचे हैं कि ह पे कौन सा मात्रा लगा है, ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो और ऊपर यह पठन का तीसरा चरण होता है, जिसमें बच्चे चंद्रबिंदी लगा है, क्या है? जोड़ी में बैठ करके पढ़ते हैं। इसमें जोड़ी बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि पहुंचे जो बच्चे जोड़ी दार के साथ बैठे, उसमें एक तेज बच्चा हो और एक वह बच्चा जो सीखने में जिसे कठिनाई हो रही है। तो इस प्रकार से हम जोड़ी बनाते हैं और वो दोनों बच्चे मिलकर के कैसे पढ़ते हैं। जा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना चाहिए कि इस क्रिया को दो बार कराना चाहिए। पहली बार प्रश्नवाचक लगाना जो तेज बच्चा है, कैसे कैसे जो है प्रश्नवाचक है, इसलिए वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। कैसे जाएंगे जो कमजोर बच्चा है वो पढ़े और जो तेज बच्चा है वो उसका सहयोग करे। ले अभी दो बार गुबराए बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ने का जो कौशल है वह तेजी से विकसित होता है। में ढ आगे इसी वीडियो में बो जोड़ी में पठन की गई है, बच्चे जोड़ी में पठन करते हुए आपको दिखेंगे। और जो अंतिम चरण है वो स्वतंत्र पठन होता है, उसमें हर बच्चा स्वतंत्र रूप से किताबों को पढ़ना सीख लेता है और आराम से उसको पढ़ता है, जिसको अंग्रेजी में यू योरसेल्फ डू कहते हैं। र पार कर लेंगे, पूर्ण विराम। अगली लाइन। हम तो तैरना तय र ना तैरना जा न ते जानते ही न ही नहीं, पूर्ण विराम। ह म हम अधक
या क्या करेंगे करेंगे। अब यहां बताइए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या कौन सा है क्या, इसीलिए देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना, क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। आगे देखिए चू जे चू जे चू हे चूहे ची टी ची टी आओ र और गु ब रे ले गुबरे ले ने क हा कहा पूर्ण विराम। ठीक है, अब इतना जो है इतना अपने से एक बार आप लोग पहले पढ़िए। ठीक है, चलिए सब लोग शुरू करिए पढ़ना। अहुलित आप भी रखिए, तेज बोलिए। कहाँ रखी है, जब बच्चे जोड़ी में पठन कर रहे होते हैं शिक्षक को उसका निरीक्षण करना है, और साथ ही साथ बच्चे जहाँ गलती करें वहाँ पे मार्गदर्शन भी करना चले। हम बच्चे को जोड़ी में एक अच्छा बच्चा तेज बच्चा और एक जो कमजोर बच्चा है उन दोनों को एक साथ बैठा कर दुनिया देखें, देखें, आगे पढ़िए। आते हैं तो बच्चे ची आसानी से पढ़ते हैं और जहाँ भी टी पढ़ते हैं टी टी जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ शिक्षक उनका मार्गदर्शन करते हैं और बच्चे बोली पढ़ना शुरू करते हैं। फिर लिखा हाँ से हम बच्चों के पठन कौशल का विकास बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर से पढ़ सुनाओ, तेज तेज बोलो। ठीक है, पूरा पढ़िए पढ़िए। हाँ चलिए आप पढ़ सुनाइए, पढ़ो। इस प्रकार बार बार अभ्यास कराने से बच्चे का पठन कौशल विकसित हो जाएगा और वो स्वतंत्र पठन करने में सक्षम हो सकेगा और हम लोग सरकार की मंशा के अनुसार निपुण लक्ष्य हासिल करने में बच्चे की मदद कर सकेंगे और बच्चा विद्यालय का होनहार बच्चा साबित होगा। जय हिंद, धन्यवाद।